फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से लेकर अब तक ये युद्ध चल ही रहा है। इस युद्ध में लाखों सैनिकों की बलि चढ़ चुकी है, जबकि बड़े पैमाने पर यूक्रेनियों के घर और शहर वीरान खंडहर बन चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस के आगे हथियार नहीं डाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन लगातार जंग के मैदान में रूसी सेना का डटकर सामना कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की ये जंग अब पश्चिमी देशों के बड़े से बड़े घातक हथियारों का कब्रिस्तान बनती जा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन में पश्चिमी देशों के कई बड़े हथियारों को मिट्टी में मिला दिया है। रूस ने अमेरिका के अटैकमस मिसाइल सिस्टम तक को खत्म करने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिका के $10 अरब से ज्यादा के हथियार स्वाहा हो चुके हैं, जबकि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को भेजे गए 20% हथियार नष्ट हो चुके हैं। और अब यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर एक ऐसा फैसला लिया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि यूक्रेन में खुद अब अमेरिका के हथियार युद्ध के मैदान में टिक नहीं पा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से अमेरिकी अब्राहम M1A1 टैंक को वापस बुला लिया है, क्योंकि रूस के ड्रोन बड़ी ही चतुराई से अमेरिकी टैंकों को ट्रेस करके उन पर हमला कर रहे हैं। फ्रंट लाइन और उसके आसपास के इलाकों पर रूस के कई ड्रोन्स 24 घंटे मंडरा रहे हैं, जिससे इन टैंकों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और पिछले 2 महीनों में ही रूस ने फ्रंट लाइन पर अमेरिका के 5 M1 अब्राहम टैंक को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका के एक अब्राहम टैंक की कीमत करीब 50 लाख से 90 लाख अमेरिकी डॉलर तक है, जबकि जिस ड्रोन से रूसी सेना इन्हें नष्ट कर रही है उनकी कीमत मात्र $30,000 है, जो बेहद ही सस्ते हैं। दरअसल रूसी सेना फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन से इन टैंकों की ट्रैकिंग कर रही है और मौका मिलते ही ये ड्रोन अब्राहम टैंक पर हमला कर देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो अवदेव का इलाके का था। यहाँ पर एक लैंसर ड्रोन ने अब्राहम MBT टैंक पर हमला किया था। और इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी थी कि मार्च 2024 के आखिर में अवदेव का इलाके में एक अब्राहम टैंक को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि रूस का कहना है कि 26 फरवरी 2024 को उसने सबसे पहले अमेरिका के अब्राहम टैंक को ड्रोन अटैक में नष्ट किया था। उसके बाद अवदिवका में 5 और 6 मार्च को एक और अब्राहम टैंक को उड़ा दिया गया था, और इसी दौरान यूक्रेन में तीसरे अब्राहम टैंक के नष्ट होने की खबर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इस टैंक को उड़ा दिया गया था। इसके बाद 20 मार्च 2024 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने चौथे अब्राहम टैंक को नष्ट करने का दावा किया था, और यूक्रेन का 5वां अब्राहम टैंक रूस के लैंसर ड्रोन द्वारा तबाह कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी एक खबर में कहा है कि इस साल की शुरुआत में यूक्रेन में 5 अब्राहम टैंक नष्ट हो चुके हैं, जबकि 3 मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अब्राहम टैंक को यूक्रेन में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में ही अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राहम टैंक्स भेजे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ड्रोन वॉरफेयर की वजह से रूस ने जर्मनी के कम 30 लेपर्ड टैंक्स को भी नष्ट कर दिया है, और जिन ड्रोन से इन टैंकों पर हमला किया गया उनको सिर्फ $500 में खरीदा जा सकता है। और इतने सस्ते ड्रोन से रूस अमेरिका के $1 करोड़ तक में आने वाले अब्राहम टैंक को उड़ा रहा है।